पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने साफ शहर और बिना घोटाले के सफाई कर्मियों की भर्ती निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ करने के नाम पर चल रही तमाम योजनाओं में घोटाले हो रहे हैं, सफाई कर्मियों की भर्ती के नाम पर घोटाले हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी शहरों को साफ करने के साथ भर्तियों को पारदर्शिता से पूरा कराने का काम करेगी। संजय सिंह ने रुहेलखंड प्रांत के कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बूथ तक पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपनी कार्ययोजना मीडिया के सामने रखी। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि पैरों की साफ सफाई का जिम्मा झाड़ू वालों के हाथों में होना चाहिए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज केजरीवाल ने भाजपाइयों का हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म कर दिया है। अच्छा सांसद जी, आजम खान के ऊपर लगातार कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी राज्यपाल से भी मिल रही है, विधानसभा में मुद्दा उठाया, क्या कहेंगे? आजम खान साहब की लड़ाई न्यायालय में चल रही है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम टिप्पणियों के बाद उनको जमानत मिली है, बाहर आए हैं। तो किसी के भी विरुद्ध दुर्भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो चाहे समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो या आम आदमी पार्टी का व्यक्ति हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, कोई भी व्यक्ति दुर्भावना का शिकार ना हो, कानून अपना काम सही ढंग से करे, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। अभी परसों ये एक सत्र चला है महिलाओं को लेकर, महिलाओं की बात कर रही है, अभी आपने कहा तमाम भाजपा जो है झूठे वादे कर रही है, तो सत्र जो है क्या कहेंगे सत्र चल रहा है महिलाओं का? देखिए, जिस राज में ललितपुर के अंदर दुष्कर्म की पीड़िता यानी कि बलात्कार की पीड़िता थाने पहुंचे और दरोगा उसके साथ बलात्कार कर दे, जिस राज्य में दुष्कर्म के बाद दलित समाज की दो बेटियों को पेड़ पे लटकाकर मार दिया जाए, अगर उसके बावजूद आदित्यनाथ जी बेटी बचाओ का नारा देते हैं और महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं उनको अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ बयानबाजी से सुनिश्चित नहीं होगी, उसके लिए आपकी पुलिस को सही ढंग से प्रशासन को काम करना होगा। आप कर क्या रहे हैं? विपक्ष के लोगों का घर गिरा रहे हैं, उनकी दुकानें गिरा रहे हैं। आपका एसडीएम, यही मुरादाबाद का एक मामला मैं पढ़ रहा था, एक फर्नीचर वाले ने एसडीएम से पैसा मांग लिया, उसका घर गिरा दिया। तो जब इस तरीके से काम करेगा प्रशासन तो कानून व्यवस्था कैसे तय होगी? आप मुझे बताइए, कल मैं लखनऊ में था, हमारे दफ्तर के आगे 200 पुलिस वाले खड़े हैं, एसीपी खड़ा है, दरोगा खड़े हैं, मालूम पड़ रहा है छावनी बना दिया। क्या? क्योंकि महंगाई के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो जिन पुलिस वालों को बलात्कारी पकड़ना चाहिए, गुंडे पकड़ना चाहिए, डकैत पकड़ना चाहिए, वो पार्टियों का दफ्तर घेरे पड़े हुए हैं। तो मुझे तो शर्म आती है आदित्यनाथ जी पर कि आपकी पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के बजाय आप विपक्षी लोगों पर लगाए फिर रहे, कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी बताइए। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसा सर्वे और पब कोर्ट की संपत्तियों का सर्वे, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं, 26,000 सरकारी स्कूल, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ रहे हैं, नमक रोटी खा रहे हैं, सूखा भात खा रहे हैं, बिल्डिंगें गिरी हुई हैं। इन सरकारी स्कूलों को ठीक करो, मदरसा जहां गड़बड़ है वो भी ठीक करो, जहां वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है वो भी ठीक करो। हमारी आपत्ति इन बातों पर, लेकिन फर्जी राजनीति मत करो। जो बच्चों को शिक्षा देने के नाम पे आप कह रहे हो हमने कॉन्वेंट बना दिया, आपने तो 26,000 स्कूल बंद किए हैं, 1,25,000 टीचर्स की कमी है, 1,75,000 शिक्षा मित्रों को अब तक परमानेंट नहीं किया आपने। तो इसलिए आपकी कार्रवाइयों को लोग अब समझने लगे हैं। बढ़िया दुकान चल रही थी हिंदू मुसलमान की, ये अरविंद केजरीवाल जी आ गए वो स्कूल अस्पताल की बात करने लगे, तब परेशानी हो रही इन लोगों को, वरना तो दुकान अच्छी चल रही है भाजपाइयों की हिंदू मुसलमान करके, काम करने की जरूरत क्या है? उनका कहना यह है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे कराने के बाद में उस पे स्कूल और कॉलेजेस वगैरह और किसके साथ भी। अरे मेरे भैया, मैं कह रहा हूँ जो थे उसको 26,000 क्यों बंद किया, वो खोल दो पहले,
कहीं पर थे ना 26,000 स्कूल, उसको खोल दो, फिर वक्फ की संपत्ति पे भी खोल दो, हम लोगों से भी, हमारे पास भी कुछ जमीन है बाप दादा की, अपने पैसे से तो एक भी नहीं खरीद पाया, हम भी 2-4 बीघा दान कर देंगे आदित्यनाथ जी को, स्कूल बनाइए वहाँ पे, आप बनाने की मंशा तो रखिए, आप तो बंद कर रहे हैं सरकारी स्कूल। मैं आपसे कह रहा हूँ 5 बीघे जमीन मैं आदित्यनाथ जी को अपनी दान कर दूंगा, पिताजी से बात करके, सरकारी स्कूल बनाओ तो तुम। 26,000 स्कूल आपने बंद किया, नाटक कर रहे हो हमें वक्फ की संपत्ति पे स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, क्या झूठ बोल रहे हैं आप? अगर नगर निकाय के चुनाव में लोग हमें मौका देते हैं, और मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, एक चुनाव में लोगों ने मोदी को वोट दिया, एक में योगी को वोट दिया, शहरों की सफाई का काम तो वैसे भी झाड़ू वालों को देना चाहिए, तो हम लोगों को इसमें मौका दे दो। सर, देश के अंदर PFI के कई ठिकानों पर एनआईए की जांच चल रही है, लगातार रेड जारी है, 3 दिन से। चलने दीजिए जांच, एनआईए की जांच होनी चाहिए।